लोगों का प्रश्न है कि भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत शास्त्रोक्त विधि से किस प्रकार करना चाहिए, अर्थात हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने की क्या विधि है। बहुत ही मार्मिक प्रश्न है, ध्यान से सुने। हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक हिंदू इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महोत्सव को करते हैं अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। और भी हमारे यहाँ बहुत व्रत हैं, लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ व्रत उत्सव त्यौहार है। जब आप वर्ष कृत्य ग्रंथों में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महीने भर में कितने व्रत पर्व हैं। कुछ देश विशेष में मनाए जाते हैं, कुछ नहीं मनाए जाते हैं, कुछ विशेष हैं, कुछ गौण हैं, कुछ काम्य हैं, कुछ नित्य हैं। कई प्रकार के व्रत होते हैं, पर्व उत्सव त्यौहार होते हैं। तो आज हर जगह जन्माष्टमी व्रत मनाया जा रहा है, परंतु वह विधिवत मनाया जा रहा है, शास्त्रों में जैसे लिखा है वैसे मनाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जिस प्रकार की जो विधि है हर एक व्रत पर्व की, वो हर हिंदू को अवश्य ही समझना चाहिए और उसी प्रकार उसको मनाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और इसका उद्यापन शास्त्रों में बहुत ही उलझा हुआ विषय है। पारणा को लेकर के कि भाई इसकी कब पारणा की जाए, व्रत का निर्णय कैसे हो तथा उद्यापन की विधि कैसी है, अन्य व्रतों के उद्यापन के संबंध में जब चर्चा करते हैं तब यही कहते हैं कि ये कर्म जन्माष्टमी व्रतोद्यापनवत कुर्यात्, इसको जन्माष्टमी व्रत के उद्यापन के समान कर लेना। अर्थात समस्त व्रतोद्यापन का श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतोद्यापन प्रकृति है, मूल है, ऐसा कहा जा सकता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का विधान, उद्यापन और महत्व ये सब ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही युधिष्ठिर आदि भक्तों को बतलाए हैं। भविष्योत्तर पुराण में और भविष्य पुराण में इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा है, कैसे व्रत किया जाए, कब किया जाए। मुख्य कल्प व्रत का यही है कि हम लोग क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो जन्म अष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जन्म जब हुआ था तो रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो रात्रि के 12 बजे जिस दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है उसी दिन जन्माष्टमी है, उसी दिन मनाना चाहिए। ये ही मुख्य सिद्धांत है। कुछ लोगों का मानना है कि जब उदयातिथि हो, जन्म के समय पे भले ना हो लेकिन सूर्योदय पर हो, हम तो उस दिन करेंगे, तो वे उस दिन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया रोहिणी नक्षत्र हो, कुछ उनका कहना है भाई बुधवार हो जिस दिन, उस दिन करना है, ऐसा भी है। तो ये भी पक्ष हैं, जो जिस पक्ष का अनुयायी है वो भले उसका करे, पर मुख्य यही लगता है, शास्त्रों में यही प्रतिपादित है कि भाई जन्माष्टमी व्रत हर जगह जहाँ भी लिखा हुआ है शास्त्रों में जन्माष्टमी, अर्थात जन्म जब हुआ था उस वक्त जो अष्टमी है वो जन्माष्टमी व्रत है। और भी बहुत निर्णय है इसमें। तो एक होता है जन्माष्टमी, एक होता है जन्म जयंती, जयंती महोत्सव। जयंती उसको कहते हैं कि जन्माष्टमी भी है और उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी हो जाए, अथवा उस दिन जो है बुधवार भी पड़ जाए, तो वो जयंती योग बन जाता है। इस बार जो है जयंती योग है,
और जो भारतवर्ष में तीन जो मुख्य रूप से विकल्प चलते हैं कि जो है जन्म के समय पर उदया अथवा कर्मकाल व्यापिनी रात्रि के 12 बजे निषीध व्यापिनी अष्टमी या जो है रोहिणी नक्षत्र युता रोहिणी नक्षत्र वाला, तो ये तीनों ही इस बार हैं। आज ऐसा है कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि इस बार जो सर्वेषां एक ही जन्माष्टमी है, आज ही सब लोग मना रहे हैं, अच्छी बात है। तो अब जन्माष्टमी कैसे मना है इसको देखिएगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है जन्माष्टमी व्रत से संबंधित मुख्य रूप से धर्म सिंधु में और व्रतराज में बड़े विस्तार से और विधि पूर्वक समझाते हुए निर्दिष्ट किया गया है। आप लोग चाहें तो वहाँ विधि को पूरी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ मैं जो है आपको बतलाता हूँ कि एक दिन पूर्व ही एक भुक्त रहे, मध्यान्ह में ही भोजन करे, सायंकाल को भोजन न करे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके और फिर संकल्प करे कि आज मैं जो है अष्टमी व्रत करूँगा। श्री ये जो है हम धर्म सिंधु से बोल रहे हैं, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम जन्माष्टमी व्रतम करिष्ये, ऐसा संकल्प करे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के लिए मैं जन्माष्टमी व्रत करूंगा। आगे लिखते हैं कि जयंती योग सत्वे, यदि कहीं जयंती योग हो तो जन्माष्टमी व्रतम जयंती व्रतम च तंत्रेण करिष्ये, ऐसा संकल्प कर कि जन्माष्टमी व्रत को और जयंती व्रत को तंत्रेण माने एक साथ करूंगा, ऐसा संकल्प कर। लिखा हुआ है निशीत सन्न प्राक काले स्नात्वा, निशीथासन्न काले, जब निशीथ आ जाए यानी जिस तरह की से जो है व्रत को कर रहा है, अब व्रत को करते हुए वो व्यक्ति पूरा दिन निकाले और दिन में जहाँ भगवान का पूजन करना है, जो गर्भगृह है मंदिर है जहाँ जो है प्रसूति गृह नाम से उसको जो है सुसज्जित करे, जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होना है, जहाँ जन्मोत्सव मनाना है उसकी तैयारी करे, और रात्रि का जब निशीथ काल आ जाए, अर्धरात्रि आ जाए, जन्मोत्सव का समय निकट आ जाए, तो उस समय स्नान करके और फिर जो है भगवान श्री कृष्ण का परिवार सहित पूजन करना चाहिए। कह रहे हैं कि मूर्ति को बनाए, जैसा भी अपनी शक्ति सामर्थ्य है, स्वर्ण की, ताम्र आदि की अथवा चित्रपट या जो है चंदन आदि से लिखी हुई मूर्तियों को बनाना चाहिए और उनमें परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम सपरिवार श्री कृष्ण पूजां करिषे, भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए उनके परिवार सहित भगवान श्री कृष्ण का पूजन मैं करूंगा, ऐसा संकल्प करे। तो परिवार में कौन कौन देवता को रखें और किस प्रकार रखें ये देखिए। पर्यंके सुप्त देवक्या स्तन पिबतीम श्री कृष्ण प्रतिमाम निधाया, पर्यंक पर शैया पर लेटी हुई देवकी के दक्षिण स्तन का पान करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जो है चित्रण करे, प्रतिमा रखे या जो है प्रतिमा को बनाए, चित्र को बनाए। और पर्यंकस्थ देवकी चरण संवाहन पराम लक्ष्मी निधाय, और पर्यंक पर विराजमान अपने पुत्र श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी का पाद संवहन कर रही है भगवती लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी जी का भी वहाँ जो है स्थापन करे,
और खड्ग धर्म वसुदेवम नंदम, खड्ग धर्म खड्ग इत्यादि आयुधों को धारण किए हुए वसुदेव और नंद देव जी वहाँ विद्यमान हैं, ऐसा उनको भी स्थापित करें। गोपी गोपाम विलिखित्वा, और गोपी और गोपों को भी वहाँ जो है चित्रित किया जाए। और भी शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवती रोहिणी जो अपने पुत्र बलभद्र को लिए बैठी हैं उनको भी वहाँ स्थापित किया जाए, तथा यमुना जी का भी वहाँ स्थापन होना चाहिए और समस्त गोप गोपी ग्वाल इनका भी वहाँ स्थापन किया जाए, इनकी सबकी पूजा होनी है परिवार सहित। और यदि संभव हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के, विभिन्न प्रकार की लीलाओं के, काली मर्दन, गोवर्धन धारण, कंस वध, अर्जुन को उपदेश, गीतोपदेश इत्यादि जो भगवान की मुख्य मुख्य लीलाओं के चित्रण हैं, चित्र हैं, उन चित्रपटों को, उन लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए उनको वहाँ स्थापित किया जाए, तथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव का आनंद लेने के लिए आए हुए विभिन्न प्रकार के देवता, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, किन्नर, भूत, प्रेत और भी दानव मानव आदि जो भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनका वहाँ चित्रण किया जाए, उनको भी स्थापित किया जाए। इस प्रकार भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को उनके परिवार सहित स्थापित करके और उनकी प्रतिष्ठा करके तथा परिवार सहिताय श्री कृष्णाय नमः इस प्रकार नाम मंत्र बोलते हुए, तथा वैदिक मंत्र अपने अपने अधिकार के अनुसार, वैदिक, पौराणिक, आगमोक्त तथा नाम मंत्रों को बोल करके और षोडशोपचार से अन्योपचारों से भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, फिर उनको अर्घ्य देवे पृथक पृथक अथवा तंत्रेण, एक तंत्र से, एक साथ या अलग अलग। इसके बाद चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाए और विधिवत आरती, पुष्पांजलि और प्रार्थना की जाए, और बाद में भी जितने भी समय तक ये पूजन आदि चले, फिर बची हुई रात्रि को भी भगवान का कीर्तन, नाम संकीर्तन, भजन इत्यादि गाते हुए, उनकी कथा का श्रवण कथन इत्यादि करते हुए और रात्रिम निनयेत ऐसा लिखा है, उस रात्रि को बितावे, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हो करके फिर स्नान आदि नित्य कर्म करके और पुनः पूर्ववत जैसे रात्रि में पूजन किया था इसी प्रकार विधिवत भगवान श्री कृष्ण का परिवार सहित पूजन, अर्चन, वंदन किया जाए, और फिर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, विभिन्न प्रकार के गोदान आदि दान किए जाएं, और फिर उस कर्म को भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया जाए। फिर तत्सत कृष्णार्पणमस्तु, तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, क्योंकि कर्म जो भी सत्कर्म करते हैं उसको भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वो जो है आपका व्रत पर्व इत्यादि है, जो भी पुण्य है उस पुण्य को कोई ले सकता है, राक्षस आदि ले सकते हैं, आप उसको व्यय कर सकते हैं, कभी ऐसा बोल सकते हैं अरे ऐसा, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, हमें ये मिल जाए, तो वो उस कर्मा कर्मों का व्यय भी होता रहता है अपने द्वारा। तो ऐसा नहीं है, कर्म को करके भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये जो है हरि हैं समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म तब तक उनका वो सार्थक नहीं होते जब तक वे भगवान श्री कृष्ण को या अपने इष्ट देवता को समर्पित नहीं कर दिए जाते। अगर हम अपने पास में कुछ धन आदि रखेंगे तो चोर आदि से भय रहता ही है, और उसको यदि किसी सुरक्षित स्थान पर, कोष में, बैंक आदि में जमा कर दिया तो फिर हम निश्चित हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। तो इसी दृष्टि से ये जो जप तप व्रत आदि का, जो त्यौहार आदि का जो पुण्य है उसको भगवान को सत्कर्म का
पुण्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, जिससे फिर खर्चे न खूटे और चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सब आया, फिर वहाँ ब्याज भी मिलेगा और ब्याज भी बड़ा अंधाधुंध मिलता है, कोई भी जो है उसकी माप नहीं है, दिन दिन बढ़त सब आया, रोज समाया बढ़ जाएगा। तो इसलिए सत्कर्म करके फिर भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये जो है संक्षिप्त में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की विधि बतलाई गई है, इसकी महिमा तथा उद्यापन की विधि और विशेष है वो कभी फिर चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।